नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना आलू के फ्रेंच फ्राइज। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाते हैं। पहले मैं अपनी सामग्री बताती हूँ। मैंने मक्के का आटा लिया है और इस कटोरी से मैंने दो कटोरी हमारा आटा ये है 500 ग्राम तो होगा ही। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना आप लेके बना सकते हैं। और ये मैंने पेस्ट बनाया है, एक चम्मच जीरा, दो हरी मिर्ची और एक छोटा टुकड़ा अदरक मिर्च नमक उसमें मिक्स करके और मैं पानी डाल के ये पतला मैंने पेस्ट बनाया है और आधा चम्मच हल्दी। गैस को चालू कर दिया है और जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था दो कटोरी, उसी कटोरी से मुझे दो कटोरी पानी डालना पड़ेगा। जितना बेसन है मक्के का आटा है उतना ही हमें पानी भी लेना है। और अब इसी पानी में मैं आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच तेल और वो जो पेस्ट बनाया है मैंने अदरक मिर्ची और जीरा नमक, नमक हमें डालना नहीं है। मैं एक चम्मच इस चम्मच से भर के मैंने चम्मच डाला था ताकि स्वाद बराबर हो जाए। अब हमारा उबाल आने तक मैं छोड़ देते हैं उबाल। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हम अपने गैस को बंद करेंगे। बंद करने के बाद मैं ये मक्के का आटा इसमें डाल के और धीरे धीरे मैं इसे चलाऊँगी। मिक्स करना है इस तरह से। ठंडा हो गया हमारा मक्के का आटा, अब मैं इसे थोड़ा तेल लगाऊंगी और फिर मैं इसे दो मिनट के लिए मैं ये देखिए हाथ में आधा चम्मच तेल लेने का और इसे इस तरह से अच्छे से गूंथ लेने का। देखिए इस तरह से हमें बड़ा थोड़ा लोई लेना है, इतना बड़ा, और थोड़ा मोटे में ही हमें बेलना है। और मैं गैस चालू करके मैंने तेल चढ़ा दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। इस तरह से मैं ये देखिए और प्लास्टिक बिछाया है मैंने इसके ऊपर और एक प्लास्टिक ऊपर रख के और दूसरे प्लास्टिक से मैं इसे ढक के और फिर मैं इसे बेलूँगी। ताकि आपके हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हमें मोटे मोटे में ही बेलना है। जैसे आलू की फ्रेंच फ्राइज होती है वैसे ही उतनी ही मोटी हमें बेलनी है। ये देखिए और बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसे मैं एक चाकू से इसको मैं कट करूँगी। इस तरह से देखिए, पहले तो ये साइड से हम निकाल देंगे इसे। देखिए इस तरह से हमें इसे काट लेना है, जो साइड से निकले हमें हटा देना है। देखिए इस तरह से मैं मोटे मोटे पीस में मैंने काट लिया है और फ्रेंच फ्राइज की तरह हमें इसे काटना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी। गैस को हमें मीडियम ही रखना है और फिर मैं इसे डाल के सब मैं तलूंगी। देखिए हमारा सारा ऊपर आ गया है, ये देखिए पक गया है। थोड़ा दो मिनट और हम इसे तलेंगे। हो गया है हमारा, अब मैं इसे निकालूँगी। देखिए कितने सुंदर कलर और टेस्ट में तो भाई बात ही नहीं है। अभी फिर ऐसे ही मैं दूसरा पीस डालूंगी अपना सारा। गैस को हमें मीडियम ही करना है, ना हमें फास्ट रहना चाहिए ना स्लो। बन गए हमारे बिना आलू के फ्रेंच फ्राई। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना अनुभव हमारे कमेंट सेक्शन में भेजिए। बनाइए और खाइए। मैं जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ।